आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए, इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफरेंस बताया था। अगर किसी स्टूडेंट को क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के पॉइंट अगर याद नहीं हो रहे हैं, तो आज मैं ट्रिक से उन पॉइंटों को भी याद कराऊंगा। देखिए कैसे आप याद कर सकते हैं। देखिए, सॉलिड दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के स्पेलिंग में सबसे लास्ट में आ रहा है लाइन। अब लाइन से आप क्या निकालेंगे, मीनिंग कि पार्टिकल एक लाइन में अरेंज है, ठीक है। और जब पार्टिकल एक लाइन में अरेंज होते हैं, मतलब कि रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो ध्यान रखना कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का, तो एमॉर्फस सॉलिड में क्या होगा, इरेगुलर होगा। ध्यान रखना है कि एमॉर्फस सॉलिड को ऐसी टर्म्स पसंद है जिनकी स्पेलिंग में आई आता है, जैसे इरेगुलर, इनडेफिनेट, आइसोट्रॉपिक, ठीक है। अब इरेगुलर क्या मतलब, कि जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनमें पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो इरेगुलर होता है, साथ में इरेगुलर क्लीवेज होता है। अब इरेगुलर क्लीवेज का मतलब क्या है, कि अगर एमॉर्फस सॉलिड को आप किसी शार्प नाइफ से कट करते हैं तो जो कटिंग सरफेस होती हैं वो इरेगुलर होती हैं। अब वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था, इरेगुलर क्लीवेज से आप ये भी सेंस निकाल सकते हैं कि जो कटिंग सरफेस होती है वो रफ होती है। रफ बोलो या इरेगुलर बोलो, एक ही बात है। अब आते हैं इंडेफिनिट पे, तो इंडेफिनिट ध्यान रखना कि जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंडेफिनिट, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। और हीट ऑफ फ्यूजन भी क्या होता है, इंडेफिनिट होता है। इसी तरह से आइसोट्रॉपिक, कि एमॉर्फस सॉलिड कैसे होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं। आइसोट्रॉपिक का मीनिंग जानना है कि क्या होगा, तो ये देखिए, आई से आपको मीनिंग निकालना है इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन का मीनिंग क्या है, कि जो आइसोट्रॉपिक सॉलिड होते हैं उनकी प्रॉपर्टी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन होती है। तो ध्यान रखना, ऐसे सॉलिड जिनकी प्रॉपर्टी डायरेक्शन पे डिपेंड ना करे, ऐसे सॉलिड को हम बोलते हैं आइसोट्रॉपिक, ठीक है। अब जैसे कोई भी बंदा अगर किसी कंपनी में जॉब करता है, अगर वो इरेगुलर होता है तो वो उस कंपनी में उसी टाइम के लिए टिकेगा, तो उसका जो टाइम इंटरवल होगा कंपनी में वो शॉर्ट होगा। तो इसी से ध्यान रखना कि अगर इरेगुलर अरेंजमेंट होता है तो वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होता है। तो इस तरह से आपको पॉइंट याद रखने हैं, और इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड में कर देना है। जैसे इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट है तो इसमें रेगुलर अरेंजमेंट है, इसमें इरेगुलर क्लीवेज है स्मूथ क्लीवेज हो जाएगा, इसमें इनडेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट है उसमें डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, इसमें इनडेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन है तो उसमें आपका डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा, ये आपका आइसोट्रॉपिक है तो आपका एनआइसोट्रॉपिक हो जाएगा, इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर है तो उसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है, कि जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनका दूसरा नाम होता है सूडो सॉलिड। मैंने बताया था ये झूठ मूठ के सॉलिड होते हैं, क्योंकि इन सॉलिड के अंदर फ्लुइडिटी होती है, जबकि सॉलिड में जनरली फ्लुइडिटी देखने को नहीं मिलती है, इसलिए इन सॉलिड को हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, आपको कैसे याद रहेगा कि भाई सूडो सॉलिड आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड थे या एमॉर्फस सॉलिड थे, तो उसकी भी पहचान बता रहा हूं। देखिए, एमॉर्फस सॉलिड की स्पेलिंग में पी आ रहा है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड के स्पेलिंग में कहीं पर भी पी नहीं दिखाई दे रहा है। तो जिसकी स्पेलिंग में पी दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो वही आपका क्या होगा, सूडो सॉलिड होगा, ठीक है। और सुपर सूडो सॉलिड को ही हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। तो इस तरह से पॉइंट याद रखना। देखिए, एमॉर्फस सॉलिड में सब कुछ इरेगुलर होता है, लेकिन एक चीज इसमें स्मूथ दिखाई देती है। अगर हम इसमें कूलिंग कर्व की बात करें, कूलिंग कर्व, तो एमॉर्फस सॉलिड का कूलिंग कर्व होता है स्मूथ, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड का कूलिंग कर्व होता है नॉट स्मूथ। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इस तरह से आप इनके पॉइंटों को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सॉलिड दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। अब हमारे सिलेबस में एमॉर्फस सॉलिड का केवल इंट्रोडक्शन है, जितना भी चैप्टर के अंदर हमें डिटेल में पढ़ना है वो केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो इन क्रिस्टलाइन सॉलिड को
इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। देखिए, जो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में किस तरह के फोर्सेस होते हैं, किस तरह के इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होते हैं, उसके बेसिस पे ये चार तरह के सॉलिड होते हैं। एक होता है आपका मेटेलिक सॉलिड, दूसरा आयनिक सॉलिड, तीसरा कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड, और चौथा होता है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो अब वन बाय वन इनको समझते हैं कि ये क्या होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे मेटेलिक सॉलिड्स को। तो देखिए, मेटेलिक सॉलिड में आपको पांच प्रॉपर्टी याद रखनी है। सभी सॉलिड की मैं पांच पांच प्रॉपर्टी बताऊंगा और ये प्रॉपर्टी आप लोगों को याद रखनी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटेलिक सॉलिड के बारे में। तो जैसे नाम से ही क्लियर है, इसकी स्पेलिंग से ही क्लियर है कि यहाँ पर मेटल की बात चल रही है। तो जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो सभी मेटेलिक सॉलिड के एग्जाम्पल होते हैं। अब मेटेलिक सॉलिड में अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करें तो इनमें पार्टिकल जो होते हैं वो पॉजिटिव आयन होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन के बीच में पड़े होते हैं। अब ऐसा होता है कि हम जानते हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं उसमें लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ईजिली इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, और जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो वो कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम सोडियम की बात करें तो ऐसा होता है कि अगर हम सोडियम का कोई ब्लॉक लेते हैं या किसी भी मेटल का ब्लॉक लेते हैं तो उसके ब्लॉक में कुछ इस तरह की सिचुएशन दिखाई देती है कि फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं और उसके बीच में आपके कैटायन पड़े होते हैं। इन कैटायन को हम केमिस्ट्री में कर्नल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कर्नल्स बोला जाता है, कर्नल्स बोला जाता है इन कैटायंस को। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉन्स्टेंट पार्टिकल क्या होते हैं? पॉजिटिव आयन इन ए सी ऑफ द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। अब आगे बात करते हैं बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्स की, कि जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल हैं उसमें किस तरह के फोर्स होते हैं। तो मेटेलिक सॉलिड के अंदर होती है मेटेलिक बॉन्ड। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। तो हम जानते हैं कि जितने भी सॉलिड होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और ये जो कंडक्टिविटी है ये सॉलिड स्टेट और मोल्टन स्टेट दोनों में दिखाई देती है। मोल्टन स्टेट का मतलब क्या है? कि आप मेटल को इतना गर्म कर दें कि वो लिक्विड फॉर्म में चला जाए। तो चाहे मेटल आपका लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है, वो दोनों ही फॉर्म में कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जा सकती है। अब ये कंडक्टिविटी क्यों होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जैसे ही आप इन सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, और इन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ही मेटेलिक सॉलिड सॉलिड स्टेट में और मोल्टन स्टेट में दोनों ही स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। मैं इन्हीं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं जो ये मैंने अभी ब्लॉक में आप लोगों को दिखाया था कि मेटल के अंदर इस तरह की सिचुएशन होती है। अब आगे बात करते हैं फिजिकल नेचर की बात करते हैं। तो जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो आपके हार्ड होते हैं और साथ में मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। ये तो हम जानते हैं कि मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं, और मेटल सभी क्या होते हैं? आपके हार्ड होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इन सभी का मेल्टिंग पॉइंट फेयरली हाई होता है, और जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि जितने भी आपके मेटल हैं वो सभी मेटेलिक सॉलिड के एग्जाम्पल होते हैं, और साथ में जितने भी आपके एलॉय होते हैं वो भी मेटेलिक सॉलिड के एग्जाम्पल होते हैं। कुछ एलॉय के नाम मैंने लिखे हैं, जैसे ब्रास है, तो ब्रास किससे बना होता है? कॉपर और जिंक से बना होता है, और ब्रॉन्ज जो होता है कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। तो ये भी ध्यान रखना आप लोगों। अब नेक्स्ट है आपका आयनिक सॉलिड। अब आयनिक सॉलिड नाम से ही क्लियर है, आयनिक मतलब आयंस की बात चल रही है, कि ऐसे सॉलिड जिनमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो कॉन्स्टेंट पार्टिकल क्या हो गया? आयंस हो गए। बॉन्डिंग की बात करें तो हम जानते हैं कि आयनिक सॉलिड के अंदर आयनिक बॉन्डिंग होती है, या हम फिजिक्स में कहें कि जो दो अपोजिट चार्जेज हैं तो दो अपोजिट चार्जेस के बीच में जो फोर्सेज होते हैं उसे हम कोलंबिक फोर्सेज या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो जो बॉन्डिंग होती है आयनिक सॉलिड के अंदर वो कोलंबिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। अब बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। तो ध्यान रखना कि आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं, मतलब कि कोई कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। जबकि मोल्टन स्टेट की बात करें या एक्वस फॉर्म की बात करें, और एक्वस सॉल्यूशन, अगर आयनिक सॉलिड को पानी में डिसॉल्व कर दिया जाए तो उस स्टेट में वो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है।
अब ऐसा क्यों होता है कि वो सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी क्यों नहीं शो करते हैं, तो उसका रीजन समझ लीजिए। देखिए जो आयनिक सॉलिड होते हैं, हम जानते हैं कि आयनिक सॉलिड के अंदर जो कंडक्टिविटी होती है वो इन आयन के मूवमेंट की वजह से होती है। जब आयन मूव करते हैं तभी कंडक्टिविटी आती है। अब आयनिक सॉलिड जब सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है तो हम जानते हैं कि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल का मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है, आयन फ्री मोशन नहीं कर सकते हैं, और आयन का मूवमेंट जब पॉसिबल नहीं होगा तो इस वजह से सॉलिड स्टेट में वो इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं। जबकि मोल्टन स्टेट में क्या होता है, देखिए मोल्टन स्टेट का मतलब क्या है, आपने सॉलिड को इतना हीट कर दिया कि वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब जब लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा तो लिक्विड फॉर्म में क्या होते हैं, जो आयन्स होते हैं वो फ्री मोशन कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विड में क्या होती है, फ्लूइडिटी होती है। तो मोल्टन स्टेट में आयन का मूवमेंट पॉसिबल होता है और इस मूवमेंट की वजह से ये मोल्टन स्टेट में कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो यहां पर मैंने रीजन भी लिख दिया है, इन सॉलिड स्टेट द आयन आर नॉट फ्री टू मूव। सॉलिड स्टेट में जो आयन होते हैं वो मूव करने के लिए फ्री नहीं होते हैं, हैंस दे कैन नॉट बी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। आगे लिखा है दे कैन डू शो ओनली इन द मोल्टन स्टेट और इन एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन में भी ऐसा होता है कि जब भाई पानी के अंदर आप किसी आयनिक सॉलिड को डालोगे, जैसे NaCl को डाला, तो पानी के अंदर वो आयनाइज हो जाता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दे देता है, इनके आयन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स खत्म हो जाते हैं और ये इजिली मूव कर सकते हैं। तो इस मूवमेंट की वजह से इसमें भी कंडक्टिविटी आ जाती है। अब फिजिकल नेचर की बात करें तो फिजिकल नेचर कैसा होता है, तो आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो आपके हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। तो आयनिक सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। अब एग्जांपल की बात करें तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि जो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम और सीजियम, और ग्रुप सेकंड के एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, ये जितने भी एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं ये एलिमेंट्स जनरली आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर इनके कोई कंपाउंड आ रहे हैं तो समझ जाना वो कंपाउंड आपके आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल होगा। जैसे आपका NaCl है, LiF है, MgO है, आपका CF2 है, CHCl है। अब इसमें आपको याद रखना है जिंक सल्फाइड भी आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल होता है। तो ये सभी सॉलिड आपके आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल होते हैं। अब आते हैं कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड। अब कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड में ध्यान रखना कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो आपके एटम्स होते हैं, ठीक है। बॉन्डिंग की बात करें तो नाम से क्लियर है, कोवेलेंट कि मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं कि सॉलिड के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलते हैं पार्टिकल के बीच में। तो फिजिकल नेचर की बात करें तो जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, वेरी हार्ड होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट का। देखिए ग्रेफाइट आपका सॉफ्ट सॉलिड होता है, ये सॉफ्ट होता है और लुब्रिकेंट की तरह यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ग्रेफाइट होता है लेयर स्ट्रक्चर रखता है और इसकी लेयर एक दूसरे पर स्लिप कर सकती हैं। तो स्लिपरी नेचर होने की वजह से ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट की तरह यूज़ किया जाता है। तो एंड गुड सॉलिड लुब्रिकेंट ड्यू टू इट्स स्लिपरी नेचर। आगे समझिए नेक्स्ट इसमें पॉइंट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब देखिए जितने भी आपके कोवेलेंट सॉलिड होते हैं वो जनरली आपके इंसुलेटर होते हैं, ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो ग्रेफाइट है वो आपका अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ड्राई सेल के अंदर जो ग्रेफाइट है वो कैथोड का वर्क करता है। जो टॉर्च में जो सेल पड़ती है उस सेल में आपने देखा होगा ब्लैक कलर का एक पेंसिल टाइप सेल के अंदर पड़ा होता है, वो ग्रेफाइट होता है, और ग्रेफाइट उस सेल के अंदर कैथोड की तरह वर्क करता है। तो ग्रेफाइट कंडक्टर क्यों होता है जबकि बाकी जितने भी कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड होते हैं सबके सब क्या होते हैं, आपके इंसुलेटर होते हैं। तो ग्रेफाइट आपका अच्छा कंडक्टर क्यों होता है, तो अभी मैंने बताया कि ग्रेफाइट में लेयर स्ट्रक्चर होती है, तो इसकी लेयर स्ट्रक्चर में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ही इसमें कंडक्टिविटी देखने को मिलती है। तो मैंने यहां पर रीजन भी लिख दिया है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट लेयर, और इसी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ग्रेफाइट के अंदर कंडक्टिविटी देखने को मिलती है। अब आती है मेल्टिंग पॉइंट की बात, तो मेल्टिंग पॉइंट इनके बहुत ज्यादा हाई होते हैं, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब एग्जाम्पल की बात करें जैसे डायमंड है, जैसे आपका ग्रेफाइट है, और ध्यान रखना सिलिकॉन के
जितने भी आपके कंपाउंड आएंगे, जनरली मोस्टली जितने भी कंपाउंड आएंगे सिलिकॉन के, सब आपके कोवेलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल होंगे। सिलिकॉन भी आपका नेटवर्क सॉलिड का एग्जाम्पल, तो सिलिकॉन और सिलिकॉन के कंपाउंड, जैसे SiO2 है, इसे हम क्वार्ट्ज भी बोलते हैं, SiC सिलिकॉन कार्बाइड, AlN मतलब एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक है, ये सभी आपके किसके एग्जाम्पल हो गए, नेटवर्क सॉलिड के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब आगे हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड की। अब जैसे नाम से क्लियर है कि इसमें पार्टिकल, कॉन्स्टेंट पार्टिकल क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड को भी मॉलिक्यूल के नेचर के बेसिस पे तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर ऑफ थ्री टाइप। एक होता है आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। सबसे पहले हम देखेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड को। तो कॉन्स्टेंट पार्टिकल की बात करें तो मॉलिक्यूल कॉन्स्टेंट पार्टिकल होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल कॉन्स्टेंट पार्टिकल होते हैं। अब मॉलिक्यूल भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पोलर और एक होते हैं नॉन पोलर। पहले से समझ लें कि नॉन पोलर का मतलब क्या होता है। नॉन पोलर का मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें डायपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो होती है, और पोलर ऐसे होते हैं जिनमें डायपोल मोमेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होती है, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट पार्टिकल में ध्यान रखना है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। और एक और पॉइंट याद रखना है कि जितने आपकी नॉबल गैसेस होती हैं, नॉबल गैसेस के जो एटम्स होते हैं वो भी इसी में काउंट किए जाते हैं। देखिए नॉबल गैस जो होती है वो स्टेबल कॉन्फिग्रेशन रखती है, और स्टेबल कॉन्फिग्रेशन रखने की वजह से ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है, बल्कि एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि स्टेबल नॉबल गैस कॉन्फिग्रेशन होता है, तो ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती है, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं गैस। तो ध्यान रखेंगे कि कॉन्स्टेंट पार्टिकल नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड में क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल और नॉबल गैस के एटम। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो फोर्सेस होते हैं वो लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस होते हैं। आप इसे सिंपली ये भी याद कर सकते हैं, लंदन फोर्सेस। किस तरह के फोर्सेस होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, लंदन फोर्सेस होते हैं। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो जितने भी आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं सभी आपके इंसुलेटर हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करी जा सकती। फिजिकल, तो नॉन पोलर सॉलिड आपके सॉफ्ट होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अब एग्जाम्पल, जैसे आर्गन है, नॉबल गैस है, ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स होते हैं, हेमा, नीमा और करिश्मा के एक्शन रंगीन, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, ये नॉबल गैसेस होती हैं, और नॉबल गैसेस सभी नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड के एग्जाम्पल होते हैं। इसी तरह से होमो डाई एटोमिक मॉलिक्यूल, जिसमें एक जैसे दो एटम प्रेजेंट हो, जैसे आपका H2 है, I2 है, जैसे आपका Cl2 है, N2 है, ये सभी आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल हैं, जैसे सॉलिड CO2 है। अब देखिए ये नॉन पोलर का क्यों एग्जांपल है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के दो एटम है, इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, और जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता है, एक जैसे एटम होते हैं, उसमें डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है जीरो। इसी तरह से II एटम है, तो दोनों के बीच में किसी तरह का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अब जैसे CCl4 की बात करें, अब देखिए यहाँ पे CCl4 का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब देखिए कार्बन से Cl लगा हुआ है, तो हम जानते हैं कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है सबसे ज़्यादा होती है, तो हमें एक वेक्टर लगाना पड़ेगा, और वो वेक्टर इस तरह से लगाते हैं, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ लगा देते हैं, इस तरह से आपके चार वेक्टर लगेंगे। अब ध्यान रखना कि अगर कभी वेक्टर सेम एंगल पे लगे होते हैं, 109°28' यहां पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ये एंगल होता है, और ये जो वेक्टर हैं ये चारों के चारों वेक्टर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इसी एंगल से लगे होते हैं, तो ध्यान रखेंगे कि अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंटर एटम के चारों तरफ एक जैसे एटम लगे हों और रेगुलर ज्योमेट्री हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है जीरो। जैसे CH4 की बात करें तो CH4, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो सारे एटम क्या हैं, सिमिलर हैं, ज्योमेट्री रेगुलर है, एंगल क्या है सभी के बीच में, 109°28'। तो यहां पर डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी।
इसी तरह से CO2 की बात करें तो CO2 में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो वेक्टर इधर की साइड लगेगा और एक वेक्टर इधर लगेगा। दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हैं, 180 पे लगे हुए हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से इसमें डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो आपको ध्यान रखना है जिस मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल मोमेंट जीरो होगा वो सभी आपके नॉन पोलर सॉलिड के एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, अब आते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें डायपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा वो सभी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब कॉन्स्टेंट पार्टिकल क्या होंगे, देखो पोलर मॉलिक्यूल होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड में थे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और पोलर मॉलिक्यूल में हो जाएंगे आपके पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, बॉन्डिंग की बात करें तो इसके अंदर होता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, उसमें लंडन फोर्सेस था, इसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अब डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का मतलब क्या है समझिए, देखिए एक मॉलिक्यूल यहां पे लिखा है HCl, तो इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है, तो क्लोरीन क्या करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, तो होगा क्या आपको एक वेक्टर लगाना पड़ेगा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ इस तरह से, तो इसलिए इसमें डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू होगी नॉट इक्वल टू जीरो होगी। तो ये मॉलिक्यूल क्या है आपका पोलर मॉलिक्यूल है। इसी तरह से अगर हम बात करें SO2 की, तो यहां पर भी देखिए एक वेक्टर तो लगाएंगे ऑक्सीजन की तरफ क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। ठीक है, और यहां पे एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर जब प्रेजेंट होते हैं तो वेक्टर हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो देखिए यहां पर क्या है, ये जो तीन वेक्टर हैं, अब इन दोनों वेक्टर की वैल्यू तो सेम है लेकिन इस वाले वेक्टर की वैल्यू क्या है डिफरेंट है। तो ध्यान रखना जब वेक्टर की वैल्यू सेम नहीं होती है, जैसे यहां पर सेम थी, इस वेक्टर की अगर वैल्यू की बात करूं तो इसकी वैल्यू इसके ही इक्वल होगी, तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। इस वेक्टर की वैल्यू इस वेक्टर के बराबर होगी तो ये वाला वेक्टर इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो ओवरऑल इसमें डायपोल मोमेंट क्या होगा जीरो होगा। जैसे यहां पर था ये अपोजिट डायरेक्शन में, एक वेक्टर आपका लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में और दूसरा राइट हैंड डायरेक्शन में, और दोनों की वैल्यू क्या है बराबर है। क्यों है, क्योंकि देखिए ये वेक्टर कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड से जनरेट हुआ है, ये भी कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड से जनरेट हुआ है, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम, और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है, देखिए ये दोनों वेक्टर की वैल्यू सेम होगी, क्यों होगी, क्योंकि ये दोनों वेक्टर जो है सल्फर और ऑक्सीजन के बॉन्ड की वजह से जनरेट हो रहे हैं, और जबकि ये वाला जो वेक्टर है ये लोन पेयर की वजह से जनरेट हो रहा है, तो ये वाला वेक्टर इन दोनों से डिफरेंट वैल्यू रखता होगा। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है उस केस में डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो ध्यान रखेंगे अगर डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो ऐसे मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। तो जितने भी आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड हों चाहे कोई सा भी टाइप की बात करें वो सभी क्या है आपके इंसुलेटर हैं। फिजिकल नेचर की बात करें तो ये सॉफ्ट होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट इनका होता है लो। एक चीज ध्यान रखना कि जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है, ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन लंडन फोर्सेस के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, अब आगे ये तो समझ ही गए HCl और H2 क्या है आपके पोलर मॉलिक्यूलर सॉल्ट के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में कॉन्स्टेंट पार्टिकल क्या होंगे, कॉन्स्टेंट पार्टिकल हो जाएंगे आपके मॉलिक्यूल्स, और ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से डायरेक्टली हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होंगे फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो याद करने का तरीका है फोन FON। बॉन्डिंग और अट्रैक्टिव फोर्स की बात करें तो इनमें नाम से क्लियर है हाइड्रोजन बॉन्डेड, तो इस तरह के मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्डिंग होती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो जितने भी आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जाम्पल हैं ये सभी इंसुलेटर होते हैं। फिजिकल नेचर जो होता है इनका हार्ड होता है। अब देखिए इससे पहले जो सॉलिड थे आपके पोलर और नॉन पोलर वो सॉफ्ट थे, तो ध्यान रखना मॉलिक्यूलर सॉलिड में हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड आपके हार्ड होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इनका लो होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा H2O क्योंकि H2O आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि जो ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे लिक्विड और सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जनरली वॉलेटाइल लिक्विड इस तरह के सॉलिड के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे H2O है तो H2O हम जानते हैं कि रूम टेम्परेचर पर आपका लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो H2O क्या हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं।
पहला क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड इन डिफरेंट कैटेगरी बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑपरेटिंग इन दैम। अब ये कुछ आपको सॉलिड दे रखे हैं और इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा सॉलिड किसका एग्जाम्पल है। अब देखिए इंटर न्यूक्लियर फोर्सेस के बेसिस पे जो सॉलिड होते हैं वो चार तरह के होते हैं। पहला होता है आपका मेटेलिक सॉलिड, अभी मैंने बताया था मेटेलिक सॉलिड। दूसरा होता है आपका आयनिक सॉलिड होता है। तीसरा होता है आपका कोवेलेंट सॉलिड, या इसको हम नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। और फोर्थ होता है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। और मॉलिक्यूलर सॉलिड के हमने तीन टाइप पढ़े थे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और एक हमने पढ़ा है हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब देख लेते हैं इसमें सबसे पहला देखो कहा है उसने पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4। अब मैंने अभी आपको बताया था ग्रुप फर्स्ट का कोई भी अगर एलिमेंट आता है तो उसके जनरली जो कंपाउंड होते हैं वो आयनिक होते हैं, तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा आयनिक सॉलिड का। टिन क्या है, एक मेटल है, और मेटल होने की वजह से ये क्या हो जाएगा आपका मेटेलिक सॉलिड हो जाएगा। बेंजीन क्या है, एक मॉलिक्यूल है, तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी आपके तीन टाइप थे, अब किस तरह का होगा, तो देखिए बेंजीन में डायपोल मोमेंट होता है जीरो, और जीरो डायपोल मोमेंट होने की वजह से ये एग्जाम्पल हो जाएगा नॉन पोलर का। अब यूरिया की बात करें, यूरिया एक मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल हो जाएगा, वो भी किस टाइप का, पोलर। अब पोलर क्यों होगा, क्योंकि इसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अमोनिया की, अमोनिया क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल है, और मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी किसका एग्जाम्पल, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल। अब देखिए बच्चे को एक यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि NH3 में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बिल्कुल होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो फिर तो ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो पोलर बताया गया है। अब ऐसा क्यों है, जरा समझिए इस पॉइंट को। आपको बता दें कि यहाँ पे नाइट्रोजन डायरेक्टली हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, और मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड की पहचान क्या होती है, कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। लेकिन एक पॉइंट और मैंने बताया था कि इस तरह के जो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, गैसियस फॉर्म में जनरली वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और जबकि अमोनिया क्या है आपका, अमोनिया आपका गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो सॉलिड इसमें काउंट नहीं करे जाते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि NH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करता है, यहां पर मैंने बोला है कि ऐसे लिक्विड और सॉलिड जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली हाइड्रोजन लगा होगा केवल वही आपके इस तरह के सॉलिड कहलाएंगे। तो NH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, लेकिन उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, गैस होती है, इसलिए वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल नहीं है। अब NH3 में क्या है, NH3 में परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है। देखो लोन पेयर आ गया तो एक वेक्टर ऊपर लगेगा और ये तीन वेक्टर इधर लगेंगे, तो रिजल्टेंट जो वेक्टर होता है वो ऊपर होता है, तो इसमें डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है, तो पोलर होने की वजह से ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बच्चे इसमें गड़बड़ कर सकते हैं कि सोच लें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड बोल दें इसे, जबकि NH3 आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल, NCERT में लिखा हुआ है ये, ठीक है। देखिए ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड आर जनरली वॉलेटाइल लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, जबकि जो नॉन पोलर या पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं या फिर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ NH3 की, तो ध्यान रखना NH3 का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो -78% होता है, जो इस एयर में इसकी परसेंटेज होती है, हम जानते हैं 78% नाइट्रोजन होती है, ठीक है, एयर के अंदर, तो वही ध्यान रखना इसका मेल्टिंग पॉइंट, वो माइनस लगा देना, -78°C इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। और ये जो मैंने कंटेंट उठाया ये NCERT में लिखा हुआ है, और ये जो NH3 का जो मैंने पॉइंट बताया है ये भी NCERT में लिखा हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं।
अब आगे देखते हैं वाटर। अभी मैंने बताया था वाटर में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हम जानते हैं कि जो वाटर है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड का एग्जाम्पल हो जाएगा। जिंक सल्फाइड अभी बताया था आयनिक सॉलिड है, तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट बताया था कि नेटवर्क सॉलिड होता है, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों नेटवर्क सॉलिड के एग्जाम्पल होते हैं। रुबीडियम मेटल है, ठीक है मेटल है तो मेटेलिक सॉलिड हो जाएगा। आर्गन, आर्गन एक नोबल गैस है, और मैंने बताया था कि जो नोबल गैसेस होती हैं वो आपकी नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड के एग्जाम्पल होते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड, मैंने बताया कि जितने भी सिलिकॉन के कंपाउंड आएंगे वो जनरली कोवेलेंट सॉलिड के या नेटवर्क सॉलिड के एग्जाम्पल होते हैं। कोवेलेंट बोलो या नेटवर्क बोलो एक ही बात है, ठीक है। आगे हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड एज आयनिक, मेटेलिक, मॉलिक्यूलर, नेटवर्क या कोवेलेंट और एमॉर्फस। तो आपको यहां पर ये कंपाउंड दे रखे हैं, इसमें पहचान करना है टेट्रा फॉस्फोरस डेकोऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है P4O10। तो देखिए ये मॉलिक्यूल है तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड का। अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट एक आयनिक कंपाउंड होता है, इसमें अमोनियम आयन और फॉस्फेट आयन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आयनिक सॉलिड। सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन का कोई भी कंपाउंड आए जनरली वो नेटवर्क सॉलिड का एग्जाम्पल होता है। I2 एक मॉलिक्यूल है, ठीक है मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल हो जाएगा। P4 फॉस्फोरस का जो मॉलिक्यूल होता है वो P4 होता है, दिस इज द मॉलिक्यूलर सॉलिड। ध्यान रखना अगर एक से एटम दिखाई दे रहा है ना, सारे एटम अगर एक जैसे होते हैं, जैसे S8 है ये सल्फर, सल्फर का मॉलिक्यूल होता है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल हो जाएगा। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि जो प्लास्टिक्स होते हैं वो एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल होते हैं। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट और डायमंड अभी बताया कि नेटवर्क सॉलिड का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। और ब्रास, ब्रास होता है आपका एलॉय, मैंने बताया था ब्रास कॉपर और जिंक से बना होता है, और जितने भी एलॉय होते हैं वो भी आपके मेटेलिक सॉलिड के एग्जाम्पल होते हैं। रुबीडियम एक मेटल है तो मेटल होने की वजह से मेटेलिक सॉलिड हो जाएगा। लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप के जितने भी कंपाउंड होंगे वो सभी आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल होते हैं। सिलिकॉन, सिलिकॉन अभी मैंने बताया था सिलिकॉन और सिलिकॉन के कंपाउंड कोवेलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल होते हैं। इस तरह से आप क्लासीफाई कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ये कह रहा है कि सॉलिड ए इज ए वेरी हार्ड, एक सॉलिड है जो बहुत ज्यादा हार्ड है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। अब देखिए आपको बता दें कि सॉलिड जो मैंने बताए हैं आप लोगों को, एक बताया है मेटेलिक, मेटेलिक सॉलिड तो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये तो हो नहीं सकता। अभी कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है वो सॉलिड और मोल्टन दोनों स्टेट में है, तो मेटेलिक सॉलिड जो होते हैं वो सॉलिड और मोल्टन दोनों स्टेट में कंडक्टिविटी शो करते हैं, तो ये तो सॉलिड हो नहीं सकता। फिर आयनिक सॉलिड की बात करें तो आयनिक सॉलिड हम जानते हैं कि मोल्टन स्टेट में कंडक्टिविटी शो करता है और एक्वस फॉर्म में शो करता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं करता है। लेकिन इस सॉलिड के लिए इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि मोल्टन स्टेट में भी इंसुलेटर होता है, कंडक्टिविटी शो नहीं करता, तो आयनिक सॉलिड भी नहीं हो सकता है। फिर आते हैं हम मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड आपके इंसुलेटर होते हैं, दोनों ही फॉर्म में इंसुलेटर होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर सॉलिड हार्ड नहीं होते हैं। तो यहां पर एक ही टाइप बचा हुआ है, वो है आपका कोवेलेंट। और हम जानते हैं कि कोवेलेंट सॉलिड जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं एंड मेल्ट एट ए एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, तो ये सॉलिड क्या हो जाएगा, कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड एग्जाम्पल हो जाएंगे। SiO2, SiC, डायमंड, ठीक है ये सभी इसी के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट बट नॉट इन द सॉलिड स्टेट, एक्सप्लेन। तो हमने बताया था कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं उनमें कंडक्टिविटी आयंस के मूवमेंट की वजह से होती है, तो यहां पे लिखा हुआ है इन सॉलिड स्टेट आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड आर नॉट फ्री टू मूव, सो दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट इन मोल्टन स्टेट और इन सॉल्यूशन फॉर्म द आयन आर फ्री टू मूव एंड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, मैलिबल और डक्टाइल। हम जानते हैं कि मैलिबल और जो डक्टाइल होते हैं नेचर में वो मेटल्स होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा मेटेलिक सॉलिड, ये मेटेलिक सॉलिड हो जाएगा आपका। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, किस टाइप का सॉलिड है, एमॉर्फस है, कोवेलेंट है, मॉलिक्यूलर है, आयनिक सॉलिड है। तो आपको बता दूं जो क्वार्ट्ज होता है वो होता है आपका SiO2, और सिलिकॉन के जितने भी मोस्टली कंपाउंड होते हैं वो नेटवर्क सॉलिड या कोवेलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, तो ध्यान रखेंगे तो जो क्वार्ट्ज ग्लास होता है वो एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल होता है। तो यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को कि क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास में, क्वार्ट्ज कोवेलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल है मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है, जबकि क्वार्ट्ज ग्लास एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ये क्वार्ट्ज ग्लास इसलिए बोला जाता है क्योंकि क्वार्ट्ज से इसे फॉर्म किया जाता है। अब कैसे फॉर्म किया जाएगा, जो क्वार्ट्ज होता है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड का भी कौन सा टाइप, कोवेलेंट सॉलिड। तो क्वार्ट्ज जो होता है इसको हम ग्लास में चेंज कर सकते हैं, और उस ग्लास को हम बोलते हैं क्वार्ट्ज ग्लास। अब ये कैसे पॉसिबल है कि क्वार्ट्ज को पहले तो आप कर लीजिए मेल्ट, और मेल्ट करने के बाद फिर इसका सडन कूलिंग कर देना है, और जैसे ही सडन कूलिंग करोगे तो कूलिंग करने पर आपको क्वार्ट्ज ग्लास मिल जाएगा। किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमॉर्फस सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए, आप क्रिस्टलाइन सॉलिड की मेल्टिंग फॉर्म को सडन कूल करते हैं जिससे कि वो एमॉर्फस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि व्हाट मेक ए ग्लास डिफरेंट फ्रॉम ए सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज, कि पूछा जा रहा है कि ग्लास किस तरह से क्वार्ट्ज से डिफरेंट होगा। तो भैया पार्टिकल के अरेंजमेंट की वजह से ही डिफरेंट होगा, क्योंकि क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ग्लास आपका एमॉर्फस सॉलिड है, तो इनमें पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगा। तो यहां पर मैंने लिखा है द अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टेंट पार्टिकल मेक ग्लास डिफरेंट फ्रॉम द क्वार्ट्ज। अब आगे कह रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशंस कुड क्वार्ट्ज बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास, आपसे पूछ रहा है कि किस कंडीशन में क्वार्ट्ज को ग्लास में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि क्वार्ट्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास बाय मेल्टिंग एंड देन कूलिंग इट रैपिडली। तो पहले आपको क्वार्ट्ज को क्या करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा, और फिर उसकी सडन कूलिंग करनी पड़ेगी। तो सडन कूलिंग से क्या होगा कि क्वार्ट्ज आपका ग्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए एनसीईआरटी में ये डायग्राम दे रखा है, पहला जो डायग्राम है ये क्वार्ट्ज का है और बी जो है वो क्वार्ट्ज ग्लास का है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें वेल डिफाइंड अरेंजमेंट है पार्टिकल का, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, और इसमें इररेगुलर अरेंजमेंट है। तो इसमें अगर हम बात करें कि पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है और कहीं कहीं पर शॉर्ट रेंज भी दिखाई देती है, ठीक है, जबकि इसके अंदर केवल शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। देखिए लास्ट में मैं एक पॉइंट और आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी बताया था कि जो अमोनिया होता है वो पोलर मॉलिकुलर सॉलिड का एग्जाम्पल होता है, तो देखिए ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पोलर मॉलिकुलर सॉलिड में सॉलिड SO2 और सॉलिड NH3 आर सम एग्जाम्पल ऑफ सच सॉलिड, ठीक है। तो ये भैया एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखना इस चीज़ को। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।